BFF स्टूडियो बेस्ट फैशन फॉर एवर जीन्स टॉप लोवर टी शर्ट हुडीज इंडो वेस्टर्न जैकेट्स एवं गर्ल्स वेयर की आकर्षक श्रृंखला हमारा पता है गौर मूर्ति कोतवाली रोड चौरसिया मंदिर के पास सागर। प्रदेश के ग्वालियर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां सुहाग रात पर ही पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ गए। दोनों ने कसम खाकर तय किया था कि वह अपने दिल की बात बताएंगे। शुरुआत पत्नी से हुई तो पत्नी ने रोते हुए बताया कि उसके मामा की लड़की ने उसके साथ रेप किया था। इस पर पति ने मानो अपना आपा खो दिया। अगले दिन पति ने यह बात अपने परिजनों को बता दी और शादी के 25 दिन बाद ही मामला फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए पहुँच गया। पति का कहना है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने यह बात छुपाकर शादी की है। दरअसल ग्वालियर निवासी 25 साल का युवक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। दिसंबर 2019 में परिवार ने उसकी शादी धूमधाम से की। 22 साल की दुल्हन ससुराल पहुंची। सुहाग रात को ही दूल्हे को पता चला कि उसकी पत्नी दुष्कर्म पीड़िता है। यह बात खुद महिला ने अपने पति को बताई। यह पता चलते ही पति मानो बौखला गया। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पहले तो परिजनों के सामने सारी बात रखी। इसके बाद फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए केस दायर किया गया। इसी बीच कोविड के चलते लंबे समय तक कोर्ट बंद रहे। युवक ने तलाक लेने का आधार पत्नी के दुष्कर्म पीड़िता होना नहीं बल्कि शादी से पहले यह बात छुपाकर धोखा देना बताया है। घटना के संबंध में दुल्हन ने पति को बताया कि उसके मामा की लड़की ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पति ने पत्नी के परिजनों को फोन लगाकर पूछा कि शादी से पहले इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई गई। दुल्हन लगातार रोती रही लेकिन युवक पसीजा नहीं। उसका कहना है कि लड़की पक्ष के लोगों ने उसे धोखा दिया है। फिलहाल यह पूरा मामला फैमिली कोर्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज़।